Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आपने ऐसी डोमेन लेनी कैसे? ऐसी डोमेन को रजिस्टर्ड करना और उसको ढूंढना, ये एक हेक्टिक काम है। ये मैनुअली आप अगर करेंगे तो आपको उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए। और ये डिटर्मिनेटर जो सॉफ्टवेयर है वो ये करेगा आपको कि आपको सारे के सारे फैक्टर्स देख के दिखाएगा। यहाँ पर इसकी स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या इसमें आता है। अभी यहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह हाइड किए कि ये हमें जो आगे क्लाइंट्स होते हैं जो खरीदते हैं वो स्क्रीन भेजते हैं। मतलब एक क्लाइंट ने यहाँ पर कोई यूआरएल या यहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह यूआरएल दिए और ये उसको डोमेन्स मिली हैं। देखिए इस डोमेन का ट्रस्ट फ्लो 23 है, 18 है, ठीक है, और इसका पीए 22 है, डोमेन अथॉरिटी 7 है। इस तरह के डिफरेंट डोमेन्स उसको मिली हैं। सिर्फ उसने ये लिंक्स दे के छोड़ दिया और उसको ये सारी की सारी एक्सपायर डोमेन्स मिल गई। फाउंड कितनी है? 1801, 1801 डोमेन्स मिली हैं और ये सारी की सारी स्पैम नहीं है, ठीक है। और अगर कोई और देखते हैं यहाँ पर, एक कीवर्ड्स वाला दिखाता हूँ, ये तो एडवांस ऑपरेटर्स हैं, TDURL, ये यहाँ पर वो डोमेन अवेलेबिलिटी भी है, डोमेन रेसोरेक्टर का वो मॉड्यूल है इसमें। बेसिकली कहने का मकसद है कि इसके अंदर आप उसको ये भी बता सकते हो, ये हिस्टोरिक सर्च वाला सेक्शन है ना, इसमें आप बता सकते हो कि मुझे 2000 से लेके 2005 तक जितनी डोमेन्स एक्सपायर्ड थी उस एज वाली चाहिए, ठीक है, या मुझे एक साल पुरानी चाहिए, दो साल पुरानी चाहिए, तीन साल, दस साल, बारह साल, जितनी पुरानी आपको डोमेन चाहिए उस तरह आप यहाँ पर हिस्टोरिक सर्च लगा देंगे और उसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आपको डोमेन्स ला के देगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या होगा कि आप जहाँ से भी वो डोमेन रजिस्टर होनी है, जो भी उसका रजिस्ट्रार है, वहाँ से आपने सिंपली वो डोमेन रजिस्टर करनी है। ये इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, उनके इसमें ट्रायल मिलता है। अगर आपकी एक छोटी सी वेबसाइट है तो आप एक ट्रायल ले लें, ठीक है, 3 डेज का ट्रायल है या 7 डेज का ट्रायल है, तो उससे आप कर सकते हैं, उससे आप वो सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे जिस भाई ने इसको लेना हुआ उसके लिए मैं मतलब डिस्काउंट्स वगैरह आपको दे दूंगा। आईडीपी का जो आपने बोला था उसमें $5 का डिस्काउंट अवेलेबल है, क्या वो पहले ही उसकी जो प्राइस है वो पूरी प्राइस है, हमने उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखा क्योंकि उसमें एक आरडीपी भी है और उसमें सारे टूल्स हैं, तो आपको मतलब जो है $5 डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है जी। अभी मैनुअली जो है, मैं तो आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ट्रायल पे फ्री में इसको यूज करें डिटर्मिनेटर को, और फ्री वर्जन के अंदर 3 दिनों का ट्रायल है, उसमें आप जो आपको डोमेन्स चाहिए वो ढूंढ लें, आपको एक दिन में ही काफी सारी डोमेन्स मिल जाएंगी। तो बजाय इसके कि न्यू बंदे को परचेज करने के बजाय आप उसको सिर्फ इसी तरह से देख लें कि आपको सारी डोमेन्स आपको मिल जाएंगी। मैनुअल प्रोसेसिंग बहुत टफ है और आपको उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कुछ रीडिंग्स करें, वेबसाइट्स पे जाएं, गूगल में जाके रीड करेंगे व्हाट इज स्पैम स्कोर, हाउ टू चेक स्पैम स्कोर, ठीक है, फिर एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में देखें कि एंकर जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए और जो डोमेन्स होती हैं उनका साइटेशन किया क्या है, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी इतनी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है कि इसमें हम ये सारे फैक्टर्स जो है वो सारे के सारे डिस्कस करें और उनको देखें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपने PBN बनाना है तो सिंपली सॉफ्टवेयर से आप डोमेन्स निकालें, उसके बाद सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने उसको होस्ट करना है। होस्टिंग के लिए बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, मेरे फेसबुक नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने एक फेसबुक में नोट लिखा था जिसमें मैंने PBN होस्टिंग्स आपको बताई थी कि आप अपनी, अगर आपने 5 डोमेन्स खरीदी हैं तो उन 5ों को अलग अलग जगह पे होस्ट कर लें, ठीक है, $2, $1, $3, $5, इस तरह करके होस्टिंग आपको मिल जाती है डिफरेंट।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।